हेलो एवरीवन, फाइनली बीटी यूपी साइट पर स्क्रूटनी एंड री इवेल्युएशन का लिंक जनरेट हो गया है, तो आप सभी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम, देन उस पर हम टाइप करते हैं btyup.ac.in, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है रिजल्ट। इस रिजल्ट पे हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। देन आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट लिखा हुआ व्यू रिजल्ट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स दिसंबर, ये रिजल्ट देखने के लिए है। सेकंड है स्पेशल बैक पेपर दिसंबर रिजल्ट देखने के लिए है। एंड थर्ड है व्यू रिजल्ट ऑफ फार्मेसी स्पेशल बैक पेपर दिसंबर, ये डी फार्मेसी के लिए है। देन फिल स्क्रूटनी और री इवेल्युएशन फॉर्म दिसंबर 2022। अब यहाँ पर हमें इसको क्लिक करना है। आइए अब इस पर हम क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर दिया गया है स्क्रूटनी और री इवेल्युएशन रजिस्ट्रेशन, मीन्स दो में से आपको एक ही भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप दोनों भर सकते हैं। या तो आप भरेंगे स्क्रूटनी या तो आप भरेंगे री इवेल्युएशन फॉर्म। अब आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट देखिए रजिस्ट्रेशन, मीन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे बाद फिर आपको पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के बाद आपको उसकी रिसीप्ट निकालनी है और उस रिसीप्ट को ले जाकर कॉलेज में सबमिट करना है। इसकी जो डेट दी गई है रजिस्ट्रेशन की, वो 26 अप्रैल से करके 2 मई 2023 तक, इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। एंड ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेट जो दी गई है 27 अप्रैल से करके 4 मई तक दी गई है। मीन्स आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर आपको 24 घंटे बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको उसकी रिसीप्ट निकालनी है, और रिसीप्ट निकालने बाद उसको आपको कॉलेज में जाकर सबमिट करना है। अब आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम रजिस्ट्रेशन। हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे का हमें भरना है इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे हम बच्चे का इनरोलमेंट नंबर फिलअप कर दिया जिसका हमें फॉर्म भरना है, और यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ हमने फिलअप कर दिया। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने बाद हम यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। फॉर्म पर क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हैं ये डिटेल पूरी इसकी आ गई है बच्चे की। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसकी बैक है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, एक यहाँ दिया गया है स्क्रूटनी का और एक यहाँ दिया गया है री इवेल्युएशन का। ध्यान रहे यदि आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पेमेंट 60 रुपीज़ करनी है, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। यदि आपको री इवेल्युएशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका 500 रुपये चार्ज होगा, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप री इवेल्युएशन ही कराएं, क्योंकि स्क्रूटनी में कुछ भी नहीं होता है सफर जी, आप केवल 60 रुपये पेमेंट कर दिए, कुछ होता नहीं है। लेकिन री इवेल्युएशन में चांस रहता है कि आप पास हो सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखते हैं ये देखिए री इवेल्युएशन फीस अमाउंट 500 रुपये, टोटल फीस अमाउंट कितना है 500 रुपीज़। अब यहाँ पर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं, आप नीचे पूरी डिटेल इसकी बच्चे की आ गई, यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर दिया गया प्रिंट, ये दिखाया गया प्रिंट। अब यहाँ पर आप क्लिक करके इसको बच्चे की प्रिंट आप निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे बाद फिर से आप ऐसे ही ओपन करेंगे, पहले आप BTUP साइट पर जाएंगे, फिर रिजल्ट ओपन करेंगे, देन फिर ये ऑप्शन आएंगे, और ऐसे ही जो ऑप्शन आएगा इस पर आपको इस पर सेकंड पर क्लिक करना है, पे फीस ऑनलाइन पर। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके कहीं आपका फॉर्मेट आएगा। ये सबसे पहला फॉर्मेट है इंटर एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आप फिलअप करना है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, देन आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, और जो भी मोड होगा आपको वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद देन आप फिर बैक आएंगे, और बैक आने के बाद यहाँ पर आप ओपन करेंगे आफ्टर फीस सबमिशन टेक स्लिप ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या दिख रहा है, एनरोलमेंट नंबर फिर से आप यहाँ पर डालना है, यहाँ एनरोलमेंट नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर आपको यहाँ रीप्रिंट फिल फॉर्म पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर आपको पूरा आपका वहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको ले जाकर कॉलेज में सबमिट कर दीजिएगा।